हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सब बढ़िया हैं और पढ़ाई उतनी ही बढ़िया चल रही है तो प्लानिंग कर लें सो गेट टू 180 प्लस सबसे पहले मुझे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू शुड से आई विल गेट इट जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो आपको बिलीव करना पड़ेगा दैट यू गाइज कैन Do it and you guys will get it. So, what is the order that we will follow? Follow the methods told for the next 25 days and you will get your deserved score. So, make sure you have to follow it with full sincerity and full dedication. So, let's talk about what's the target for getting a 180 plus. You have to study 12 hours a day, you have to study with discipline, obviously, study with discipline, and you have to do smart study, which I'm going to tell you.

रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं हम लोग सबसे ज्यादा वीडियोस रात को देखते हैं रैंडमली सुबह उठ के जस्ट इमेजिन सिक्स ओ क्लॉक यू विल नॉट स्टार्ट वाचिंग एनी रैंडम वीडियो बट इन द एंड कैपेसिटी इज इज टेंडेंसी टू वॉच मोर बिकॉज यू आर गेटिंग बोर्ड यू आर डिप्रेस यू वॉन्ट समथिंग मोटिवेशन एंड यू गो ऑन टू यूट्यूब एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बट इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल मेक श्योर दैट प्रोडक्टिव डे आ गया दूसरा बड़ा इंपैक्ट जो साइकोलॉजिकली स्टार्टिंग अ डे अर्ली कम्स आउट इज that once you have started early, by the end of the afternoon, you will feel so positive that you have already done, let's say three to five hours of study by 12 noon, it could make positive energy data, which will help you to study entire day with a positive smile and positivity around. So make sure better to start your day early. But if you are studying at night and able to manage that, no problems. So my preferred schedule,

I am making sure that you study for three hours because I have to go back and teach you build stamina for three hours. That's my basic line because अगर आपका तीन घंटे का stamina नहीं है तो कितनी अच्छी preparation हो पढ़ाई नहीं होगी और फिर 8:30 से 11:30 stick to those three hours हाँ ऊपर नीचे हो सकता है कोई पंद्रह मिनट पहले निकल गया या पंद्रह मिनट बट कोशिश करिए तीन घंटे का stamina क्योंकि आप सब लोगों ने अभी तक एक चीज observe करी होगी do let me know in this दट कॉमेंट सेक्शन एज वेल सर मॉक्स में ना लास्ट के एक घंटा आई एम कंप्लीटली आउट दैट इज बिकॉज यू डू नॉट है स्टेमिना फॉर नेक्स्ट और द कंप्लीट थ्री आवर्स अच्छा इसमें आप कर क्या कह सकते हैं फिक्स टाइम जिस दिन आप मॉक देते हैं उसमें से एक स्लॉट मॉक के लिए चला गया एक स्लॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है और दो स्लॉट आपके रिवीजन के हैं क्योंकि अब 25 दिन बचे हैं तो रिवीजन ही करनी है ज्यादा कुछ नहीं हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू अवॉर्डिंग उनके थ्रू अपनी रिविजन कर रहे हैं सो so वो आप इस शेड्यूल में कर सकते हैं यहां तक कर सकते हैं बट जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कोशिश करिए आप इसका रिवीजन में कन्वर्ट करें इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कन्वर्ट करें जहां आपका जो एफिशिएंसी आती है वो करिए तीन घंटे के चार स्लॉट बारह घंटे बनता है मिनिमम अगर आपको वन करना है ठीक है तो जिस दिन मॉक नहीं देते हैं उस दिन वो एक स्लॉट आप या तो रिवीजन को दे दीजिए या प्रैक्टिस को दे दीजिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर स्टेट ऑफ प्रिपरेशन इज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट बट ये काम करना जरूरी है और मॉक के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा अभी हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी सर क्या पढ़े कैसे पढ़े कितना करें ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स को जो उन्हें कंफ्यूज करती है तो आइए इसका इलाज देखते हैं कि हाउ टू डू सो डू नॉट पिक अ चैप्टर यू हैव नॉट डन अब वो समय नहीं रहा है आप वो चैप्टर पकड़ें जो आपने नहीं करा है हाँ बट इसमें भी मैं भी आगे चल के बताऊं देू चैप्टर्स For example, semiconductors. You might not have done it, but it is important to do it because one question is going to come. And if you dedicatedly give four hours, strategic four hours to it, आप ये वो चार नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है? तो please जो बड़े chapters हैं, जैसे rotation है, जिसकी weightage तो बहुत high है, but उसका input भी बहुत आया है। मैंने आज से दो साल पहले एक वीडियो बनाई थी, जो बहुत popular हुई, बहुत जगह copy हुई। High output, high input chapters, high output, low input chapters. ये मैंने कैटेगरी डिफाइन करी थी मैं आज उस कैटेगरी के साथ आपसे फिर बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल पीडीएफ ठीक है तो प्लीज वो चैप्टर यूज ना करें जो आपको नहीं आता है उसके ऊपर अब टाइम स्पेंड करने का समय नहीं है सो व्हाट यू शुड आइडियली डू जो मैं बार बार बोलता हूं डिवाइड योर चैप्टर्स इन थ्री बकेट्स नॉट प्रिपेयर्ड मॉडरेटली प्रिपेयर्ड वेल प्रिपेयर्ड इस समय नॉट प्रिपेयर्ड नहीं करना है उनको हटाई दीजिए नॉट होता है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है चैप्टर जो जितना पढ़ा है उसको बेसिक रिवाइज करिए और छोड़ दीजिए बट उसके ऊपर अब टाइम मत लगाइए अब टाइम सिर्फ इन दोनों के ऊपर लगाने का है और ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है इसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि सर रोटेशन तो मेरे को पर हमेशा से वेल well प्रिपेयर्ड में डालना था क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउ द टाइम इज गॉन बिलीव मी अब टाइम बच्चों अपने आप को कंसोलिडेट करने का है क्यों द मोर यू विल गो क्लोजर एंड क्लोजर टू द एग्जाम डेट एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस बढ़ेगी बढ़ेगी हर किसी के लिए ऑब्वियस है और उसमें एंग्जाइटी और नर्वसनेस में वी टेक सच डिसीजंस जो हमें हेल्प नहीं करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिलो द एवरेज कर देते हैं सो वंस योर कॉन्फिडेंस इज डाउन पेपर विल नॉट गो द प्रेफर्ड वे तो इसीलिए सिर्फ उन पे कंसंट्रेट करिए जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं मैं मॉडरेट के लिए कॉन्फिडेंट हूं मैं वेल well प्रिपेयर्ड के लिए कॉन्फिडेंट हूं उन्हें ही रिवाइज करना है इसमें अगर मैं बात करता हूं रूल फॉर स्मार्ट सिटी क्या कहता है अरे वाह यहां पर देखो एनिमेशंस ही आ गई क्या हाई इनपुट और हाई आउटपुट सो दिस इज हाई जैसे जैसे चैप्टर में इनपुट ज्यादा लगेगी और ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर मैं कहता हूँ रोटेशन इज हाई इनपुट बट हो सकता है आपका वेल well प्रिपेयर्ड है तो वो आपके लिए लो इनपुट में हो जाएगा तो डिसाइड अकॉर्डिंगली बट जनली हाई इनपुट और हाई आउटपुट द मोस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इज हाई आउटपुट बट लो ऑन इनपुट ये लो इनपुट और हाई आउटपुट ऐसे चैप्टर्स अगर अभी तक आपने नहीं करे हैं और वह आपके मॉडरेटली प्रिपेर्ड में उन्हें सबसे पहले पकड़ना चाहिए दैट इज वॉट यू शुड डू आई विल शेयर डी एफ वेयर यू कैन गेट वॉट आर हाई आउटपुट एंड लो इनपुट चैप्टर्स मतलब लो इनपुट पे भी हाई आउटपुट सिंपल सी भाषा में ठीक है तो उन्हें पहले पकड़िए और अगर आपका प्रिपरेशन हो भी चुका है देन दिस हेल्प ठीक है इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कायम करिए चौथा मैंने शायद गलत बोल दिया इट इज लो आउटपुट हाई इनपुट ये तो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी है जो आपको ऑब्वियसली बातें लास्ट में करनी चाहिए सिंपल बेसिक रूल ऑफ स्मार्ट स्टडी ठीक है नाउ व्हाट टू सॉल्व व्हाट डू वी शुड सॉल्व सर इन द लास्ट 25 डेज ऑनेस्टली स्पीकिंग अब लास्ट के दिन में सिर्फ और सिवि रिविजन करनी चाहिए आपने कहीं ना कहीं एक साल दो साल तीन साल कहीं ना कहीं तो कोचिंग करी उन्होंने आपको कंटेंट दिया आपने उसे सॉल्व करा चाहे वो 50 परसेंट सेवेंटी परसेंट नाइनटी हंड्रेड वट एवर उन्हें रिवाइज करिए उनमें आपने जो क्वेश्चंस करे थे उन्हें रिवाइज करिए नए क्वेश्चन की तरफ ज्यादा मत भागी बट फिर भी मैं कहूंगा डू लिमिटेड न्यू क्वेश्चन जिससे आपको एक जो होता है ना आप जब टेस्ट देते हैं आपको एक न्यूनेस फैक्टर होना चाहिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इज़ नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड अगर हुआ भी हुआ भी तो 90 में से हद से पांच क्वेश्चन हद हद दिखे हुए आएंगे बट 85 वुड बी समथिंग प्रैक्टिस कायम रखिए विद न्यू क्वेश्चन पर सब्जेक्ट और मे बी फिफ्टी क्वेश्चन टू जस्ट दैट एक डिसिप्लिन की या जब नए क्वेश्चन आते हैं तो हाउ आई विल ट्रेन माई माइंड इट इज ऑल ट्रेनिंग डू नॉट वरी अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चन टू सॉल्व फॉर गट अबाउट इट बट वी जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर न्यू क्वेश्चन कम्स इन हाउ वी विल टैकल हाउ आर माइंड विल टैकल आर दैट थिंग इन द एग्जामिनेशन सिचुएशन बट मेक श्योर यू डू दैम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स वॉट एवर सोर्स यू ट्रस्ट ऑन डू दैम बट नॉट टू मच मेजर फोकस शुड बी ऑन वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डू दैम फिनिश पीवाई क्यूज इफ नॉट डन अगर आपने पीवाई क्यू नहीं करे हैं तो सबसे पहले 2019 से 2021 हजार से कर लीजिए अभी तक कर लेने चाहिए थे ये है घनघोर पाप क्या कहते हैं इसे घनघोर पाप अगर आपने 2019 से लेकर 2021 के पीवाई क्यूज नहीं करे हैं प्लीज कर लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छा रिसोर्स है और मोस्ट रेलिवेंट रिसोर्स है अभी के लिए करने के लिए यू कैन यूज दी मार्क्स एप आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू चेक मोर इंपॉर्टेंटली डू नॉट लीव केमिस्ट्री बाई एनी मीन डू नॉट लीव के बोरिंग है यार बोरिंग और रट्टाफिकेशन है तो आई आई टी छोड़ दो सिंपल भाषा में आपने आई आई टी में जब कदम रखा था तो यह सवाल कहीं था ही नहीं कि वो इंटरेस्टिंग होगी या बोरिंग होगी मेरा टारगेट था टू तो गेट इन टू आई आई टी अब आईआईटी जाने के लिए एसएसटी भी आ जाएगी वापस से हिस्ट्री पूछी जाएगी तो मैं उसका भी रट्टा मार लूंगा दैट इज काइंड ऑफ दैट वी फ्रॉम यू एंड बिलीव मी इन लास्ट डेज द ओनली सब्जेक्ट विच कैन इंप्रूव योर स्कोर ड्रास्टिकली इज केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री को पकड़ लो खींच डालो फाड़ डालो केमिस्ट्री की किताबों को पूरे ढंग से रट्टा मार लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बताता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं स्पेशली कंप्लीटली रट्टा मार लो यारीवाई क्यू का दो से लेकर दो तक का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप चाहे तो नीट के प्रीवियस भी सॉल्व कर सकते हैं कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है मार्क्स ऐप आप पे आपको चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर भी मिलते हैं उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च करें और उसको सॉल्व करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो द इजिएस्ट वे टू स्कोर नंबर दो बेनिफिट होते हैं बच्चों कौन कौन से दो बेनिफिट यार एक तो चार नंबर मिल ही रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन

उसे खत्म करो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीआर के बैक प्रॉब्लम प्रीवियस प्रीवियस ऑफ नीट बिलीव मी ये टेक्निक से मैंने हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंप्रूव होते हुए देखा है हर साल। जब मैं हजारों बोल रहा हूं हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट हर साल टोटल हजार की बात नहीं कर रहा हूं पीपल हुए स्कोर प्लीज कर लो यार मतलब झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है हमारे पास यहां मैथ्स का टीचर हूं पर फिर भी वो चीज बोल रहा हूं जो मैथ से संबंधित नहीं है वर्ड मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज सो टेस्ट जो है बच्चों ट्वाइस अ वीक देना कंपल्सरी एक्टिविटी है कंपल्सरी आप चाहें तो ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ऑल्टरनेट डे दे दीजिए डेली देना चाहे आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन हो रखी है तो आप डेली भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ट्वाइस अ वीक ये मिनिमम बार है अब इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या क्या आती है सर? क्या आती है है सर सर स्कोर कम आएगा तो आपका टारगेट इज नॉट टू गिव दी मॉक टेस्ट फॉर स्कोर यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज है ये आप जिम जाते ही सीधा सलमान खान जैसी बॉडी जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं बना लेते हैं

अभी तक प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है रिविजन बहुत बचा है वो एक अलग प्रिपरेशन है ये एक अलग प्रिपरेशन है यू विल राइट मॉक टेस्ट यू विल राइट मॉक टेस्ट वे एवर अगर ये सबसे बड़ा चैलेंज है ये सबसे बड़ी ट्रिक है जिसकी वजह से आपका स्कोर इंप्रूव होगा ठीक है मेरा आज फाइनली मैं एंड करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन को विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिल पे लगने वाली और दिमाग से समझने वाली स्टेटमेंट है गेट लो स्कोर नाउ और गेट दम एट दाइनल डे या तो अभी ले लो scores, अभी लो स्कोर्स अभी लोगे तो फाइनल डे शायद नहीं आएंगे और अभी अगर डर के हमारे नहीं दोगे तो फाइनल डे वो लो स्कोर पक्का आएगा अब यह आपके ऊपर है हाउ यू डिसाइड वॉट डे इट इज गोइंग टू बी टू डे और द फाइनल डे चॉइस इज योर्स सो आई एम श्योर नो बडी वुड वॉन्ट दैट टू बी द फाइनल डे टू स्टार्ट टेकिंग मार्क्स फ्रॉम नाउन वर्ल्ड वीक डू इट और जाने से पहले एक बार और अपने कमेंट में एडिट करेंगे पेपर है. And to sure कि मेरे 180 से ऊपर आए ही आए गोडेस और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मॉर्निंग मोटिवेशन फिर से शुरू कर दीजिए कितने लोगों को लगता है हमें वो करनी चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइएगा और वो हम फिर से एक बार दोबारा शुरू करेंगे गॉड ब्लेस यू ऑल कीप वर्किंग हार्ड एंड नीड अ अ गुड स्माइल स्माइल बिग ऑन योर फेस बिकॉज खुश रहेंगे तो लर्निंग बढ़ेगी ठीक है एक जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना जरूर चाहूंगा जो आपका लास्ट का सेशन है ना बच्चों यहां सोने से पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप यहां आधा घंटा कम कर दो थर्टी मिनट्स फोन से अलग अपने आप को पैट करना है अपने आप को खुशी देनी है दैट जैसे भी आज का दिन गया मैंने अपनी कोशिश पूरी करी अपने फादर मदर से बात करिए अपने भाई बहन से बात करिए इंजॉय करिए खुश होके सोइए जब भी तो अगले दिन खुश उठेंगे खुश उठेंगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा दिमाग पॉजिटिव सोचेगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा गॉड ब्लेस कीप वर्किंग हार्ड सी यू द नेक्स्ट वीडियो